आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 37 पिक्चर कंपोजिशन पर बेस्ड है। आपको एक पिक्चर दे रखी है जिसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस शो कर रखे हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्चर पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो पिक्चर है ए है, इसमें हमें दिख रहा है कि चिमनी से बहुत सारा स्मोक धुआं बाहर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी इन पिक्चर ए। सेकेंड पिक्चर में हमसे पूछ रखा है कि व्हाई इज द मैन इन द पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड, जो आदमी है वो इरिटेटेड फील क्यों हो रहा है। सेकेंड पिक्चर में हमें नॉइज पोल्यूशन की पिक्चर दिखा रखी है, इसमें लाउड स्पीकर ट्रेन बहुत सारी चीज़ों का क्या है नॉइज आ रहा है जिससे नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। उसके बाद थर्ड पिक्चर में हमें देख रहा है कि जो डर्टी वाटर है, जो ड्रेन्स का नालों का जो गंदा पानी है वो रिवर में सीधा डंप किया जा रहा है, तो ये वाटर पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है पिक्चर। और डी में देख रहे हैं हम कि व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनसे बहुत ही जो टॉक्सिक बहुत ही जहरीला जो हार्मफुल जो स्मोक होता है धुआं होता है वो बाहर आ रहा है और वो एयर पोल्यूशन कर रहा है। इस तरह से इन पिक्चर पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी इन पिक्चर ए। पिक्चर में पूछा है चिमनी से बाहर क्या आ रहा है, तो आप लिखेंगे हार्मफुल टॉक्सिक स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द चिमनी इन पिक्चर ए। फिर पिक्चर बी में आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाई इज द मैन इन द पिक्चर बी फील इरिटेटेड, जो पिक्चर बी में मैन है वो इरिटेटेड फील क्यों कर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो इरिटेशन क्यों हो रही है उसे, क्योंकि वहां पे बहुत सारा नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। सो मैन इज फीलिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन। थर्ड है व्हाट इज शोन इन पिक्चर डी। पिक्चर डी में क्या दिखाया गया है, पिक्चर डी में दिखाया गया है कि जो हार्मफुल स्मोक है वो क्या कर रहा है, वो बाहर निकल रहा है कहाँ से, व्हीकल से, गाड़ियों से बाहर निकल रहा है और हवा को पॉल्यूट कर रहा है। और पिक्चर हमारी सी में है, बहुत सारा आप देखा कि जो गंदा पानी था वो रिवर में गिर रहा था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ डज द वाटर इन द रिवर गेट पोल्यूटेड एज शोन इन पिक्चर सी। पिक्चर सी में जो पिक्चर दिखा रखी है उसमें पानी किस तरह से पॉल्यूट हो रहा है, तो आप लिखेंगे उसमें हार्मफुल और जो टॉक्सिक जहरीला, हार्मफुल नुकसानदायक और टॉक्सिक मतलब जहरीला जो पानी है वो डंप किया जा रहा है, डंप मीन्स फेंका जा रहा है किसमें, रिवर में, तो जिससे रिवर पॉल्यूट हो रही है, दिस इज पॉल्यूटिंग द रिवर एंड कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। इस तरह से इन पिक्चर पर बेस्ड आपसे जो फोर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद आपको ट्रू और फॉल्स का एक क्वेश्चन दे रखा है। बी पार्ट है स्टेट वेदर द विच स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहले है वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया, हम जो गार्बेज को ओपन एरिया में फेंक सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये गलत है, इसमें हम लिख देंगे फॉल्स। फिर सेकेंड हमारी स्टेटमेंट है ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्री कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, जब आप बहुत सारे पेड़ उगाओगे तो उससे हवा की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। थर्ड है कार पुलिंग, कार पुलिंग मीन्स का मतलब होता है, कार पुलिंग का मतलब होता है बहुत सारे कुछ लोग एक साथ एक कार में जाते हैं, एक साथ मिलकर एक कार में वो जाते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का, येस दिस इज़ ट्रू, ये सही है। वी कैन यूज़ पोल्यूटेड वाटर टू मेक फूड, हम पोल्यूटेड वाटर जो गंदा पानी है उसका यूज़ खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, नो ये फॉल्स है, फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ एनिमल इट गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा, अगर एनिमल्स कूड़ा खाएंगे जो आप खुले में फेंक देंगे थ्रोन इन ओपन दे में फॉल सिक, तो वो बीमार पड़ सकते हैं, येस एनिमल्स बीमार पड़ सकते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट हमारी सिक्स, इट इज सेफ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल इन टू रिवर, रिवर में हार्मफुल केमिकल और वेस्ट फेंकना सेफ है, तो ये फॉल्स है, ये सेफ नहीं है, रिवर में हार्मफुल वेस्ट और केमिकल्स हमें नहीं फेंकने चाहिए। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में, टॉपिक है आपका पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन टॉपिक पर आप क्या क्या लाइन्स क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, पोल्यूशन एक सबसे बड़ी सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, आप ये लाइन लिख देंगे। फिर पोल्यूशन मींस मेकिंग एनवायरनमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, पोल्यूशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट को गंदा करना उसमें नुकसानदायक हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड कर। देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, आपने भी पिक्चर्स में देखा बहुत सारी फॉर्म्स है पोल्यूशन के, लाइक एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन मींस हवा गंदी होती है, वाटर मींस पानी गंदा होता है, सॉयल मिट्टी जो हमारी अर्थ है जो मिट्टी होती है वो भी गंदी होती है, नॉइस पोल्यूशन बहुत शोर होता है तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। वी डंप हार्मफुल एंड टॉक्सिक वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज, हम क्या करते हैं जो हार्मफुल और जो टॉक्सिक मतलब जहरीला जो वेस्ट होता है उसे डायरेक्टली उसको बिना ट्रीट करे हम वाटर बॉडीज़ में नदियों में रिवर्स में फेंक देते हैं, जिससे दिस रिजल्ट्स इन वाटर पोल्यूशन, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। व्हीकल्स होता है जो गाड़ियाँ होती हैं और फैक्ट्रीज से और बाकी और एक्टिविटीज से जो धुआं रिलीज होता है, किसमें एक्टिविटीज रिलीज स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर, हवा में धुआं आता है एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स, और जो हवा है सबके लिए सांस लेने लायक वो नहीं रहती, का मतलब होता है सांस लेने लायक ऑर्गेनिजम्स मीन्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। सॉइल पोल्यूशन इज कॉज बाय डंपिंग, और सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, जब हम डंप कर देते हैं फेंक देते हैं हमारे वेस्ट को लैंडफिल्स में जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर बन जाते हैं बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और बहुत ज्यादा जो क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उससे भी जो सॉइल होती है वो पॉल्यूट हो जाती है। और लास्ट हमारा जो पॉल्यूशन है वो है नॉइज पोल्यूशन, और नॉइज पोल्यूशन भी ऐसी फॉर्म है जो कि हमें नजर नहीं आती, जो कि
ऐसा लगता है कि हमें दिख नहीं रही है, लेकिन वो क्या करती है, वो हमारे ईयर्स को, हमारे कानों को, विच कैन डैमेज आर ईयर्स. तो हमारी ड्यूटी है कि हमें हर तरह के पोल्यूशन को रोकना है. इट इज़ आर ड्यूटी टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ पोल्यूशन एंड टू सेव आर मदर अर्थ. हम एंड में ये लिख सकते हैं कि इन सब पॉल्यूशन को रोकना हमारी ड्यूटी है, और तभी हमें अपनी मदर अर्थ को बचा सकते हैं. और आप कुछ और भी वेज लिख सकते हैं कि किस तरह से आप पॉल्यूशन को रोक सकते हैं. वी कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, इस तरह से वी शुड चेक आर व्हीकल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमें अपनी गाड़ियों को टाइम टू टाइम चेक करवाना चाहिए उनको, तो जिससे वो पॉल्यूशन ना करें. तो आप डिफरेंट पॉइंट्स भी, अपनी व्यूज़ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से. पॉल्यूशन पर बेस्ड एक 80 to 100 वर्ड्स में आप इस तरह से एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं. और पिक्चर कंपोजिशन पर बेस्ड आपकी जो वर्कशीट नंबर 37 है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है.